21 जनवरी से मोहम्मद आफरीद ने कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल यात्रा शुरू की। 43 दिन की पैदल यात्रा के दरमियान आज मोहम्मद आफरीद कामठी शहर में पहुंचे। मोहम्मद आफरीद को पैदल यात्रा का मकसद पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत देश में डेवलपमेंट हो तथा हर शहर में एक अनाथालय बने, यह संदेश को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से मोहम्मद आफरीद ने पैदल यात्रा शुरू की। मेरा नाम मोहम्मद आफरीद है। मैं आंध्र प्रदेश कर्नूल जिला आधुनिक रहने वाला हूँ। मैं आधुनिक से कन्याकुमारी ट्रेन में गया। ट्रेन में जाने के बाद कन्याकुमारी से अपना सफ़र स्टार्ट किया। कन्याकुमारी से कामठी नामक गांव में हूँ। अभी सुबह नागपुर से निकला। 43 डेज मेरे को आज को 43 डेज है। 2000 किलोमीटर के करीब करीब मैं चला। अभी अभी कश्मीर जाना है मेरे को। उद्देश्य इंडिया का डेवलपमेंट है। खास उद्देश्य है इंडिया का डेवलपमेंट। और दूसरा उद्देश्य है हर गांव, हर छोटा गांव, बड़ा गांव, हर गांव में एक वृद्धाश्रम और एक अनाथ आश्रम रहना चाहिए। क्योंकि रोड पे बारिश धूप में कोई भी इंसान बाहर नहीं रहना चाहिए। आपने क्या क्यों कल्पना है आपके मन में कि पैदल चलने की है, ये संदेश देना चाहिए? इंडिया अभी तक भी डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री नहीं, डेवलप्ड कंट्री बनना चाहिए ऐसे, इसीलिए मेरा मेन उद्देश्य है। और अनाथ आश्रम बनाएंगे। अगर हर गाँव में वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम बनाना मुश्किल लगे तो कम से कम जिला में जो भी टाउन रहते, मंडल तालुक रहते, वो तालुक में अगर बना देंगे तो वहाँ के आसपास के गांव